हे एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन्ड हिंदी। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फ्लैगशिप लेवल के वायरस को जिसका नाम है पेगासस। ये एक स्पाईवेयर है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसका मेन काम स्पाइंग यानी कि जासूसी करना है। स्पाईवेयर ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैं जो सीक्रेटली आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर को टारगेट करते हैं और आपके पूरे का पूरे डेटा का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतने अपडेटेड होते हैं कि आपके फ़ोन में कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन कर आपका वीडियो बना सकते हैं, आपका माइक ऑन कर आपकी बातें सुन सकते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ सकते हैं, आपके टेक्स्ट मैसेज को पढ़ सकते हैं, आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल लॉक्स को चेक कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटो और वीडियो या मीडिया पड़ा हो उसको देख सकते हैं, आपके लोकेशन को GPS के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, इवन आपके सीक्रेट पासवर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पेगासस ज़्यादा खतरनाक स्पाईवेयर आया कहाँ से है। पेगासस को एक इजरायली सर्विलांस कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है, और NSO ग्रुप का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर हमने सिर्फ गवर्नमेंट और उनके एजेंसीज के लिए बनाया है, जिससे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दें और क्राइम और टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ सके। और NSO ग्रुप क्लेम करता है कि एक बार सॉफ्टवेयर देने के बाद हम कोई डेटा नहीं रखते कि इसका टारगेट किसको बनाया गया है। ये स्पाईवेयर कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये स्पाईवेयर जीरो क्लिक अटैक पे काम करता है, यानी कि नो एक्शन फ्रॉम द टारगेट। टारगेट के फ़ोन में बस एक व्हाट्सएप के मिस कॉल और उसका फ़ोन हैक्ड। इंस्टॉल होने के बाद ये खुद उस कॉल लॉक को भी डिलीट कर देता है जिसके थ्रू ये खुद इंस्टॉल हुआ। शुरू में तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एज अ प्रैंक बनाए गए थे, बाद में मेनी ब्लैक हैट हैकर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, इवन स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पेनिश एजेंट की मदद से ये आज बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। और आज हमारे पास है पेगासस, और हम इसे इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के हाथ एक डेटाबेस लगा है जिसमें टारगेट की डिटेल्स हैं, और ये न्यूज़पेपर साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट पेगासस, और ये पब्लिश कर रहे हैं उसकी डिटेल्स जो टारगेटेड है इस वायरस के थ्रू, और इसमें इंडिया का नाम भी शामिल। हालांकि इसी बीच NSO ग्रुप का कहना है कि इसमें कुछ डेटा गलत भी है, इसमें कुछ उन देशों का नाम भी शामिल है जिसको उन्होंने सॉफ्टवेयर दिए ही नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में जो भी सर्विलांस होता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होती है। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फ़ोन को हैक करना IT एक्ट के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है क्योंकि पुट ऑफ समिट जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारी प्राइवेसी भी हमारा फंडामेंटल राइट है। विभिन्न RTI में सरकार ने कहा है कि 9 सेंट्रल एजेंसीज और एक स्टेट एजेंसी के पास IT ये पावर देता है कि वो किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आज तक क्लियर नहीं किया गया है कि वो एजेंसीज कौन सी हैं। और हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी इंसान की प्राइवेसी बहुत रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में ही वायलेट की जा सकती है। प्राइवेसी जब भी वायलेट हो, लॉ के अकॉर्डिंग वायलेट हो, लास्ट ऑप्शन हो तभी प्राइवेसी वायलेट की, और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही वायलेट की जाए, और उससे कोई नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता हो तभी किसी की प्राइवेसी वायलेट की जा सकती है, ये कहना हमारी सुप्रीम कोर्ट का। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।